आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू मटर पुलाव की रेसिपी, जो सभी की फेवरेट होती है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में हमने डाला है तेल, फिर इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आलू मटर पुलाव की रेसिपी में बहुत कम सामग्री से बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है। हमने रॉ आलू यूज़ किया, यानी कच्चा आलू यूज़ किया है, बॉयल आलू बिल्कुल यूज़ ना करें। इस तरीके से जब ये गोल्डन हो जाएगा तो हमने इसे निकाल लिया है। फिर बचे हुए तेल में हमने डाला है एक बड़े चम्मच घी, फिर इसमें डालेंगे खड़े मसाले, मिक्स कर इसे भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, इसे भी मिक्स कर लेना है और गोल्डन होने तक पकने देना है। ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखें ताकि ये बिल्कुल जले नहीं। इस तरीके से जब प्याज का कलर सुनहरा हो जाए तो हमने इसमें डाला है एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे 2 मिनट तक पका लेना है, जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। 2 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसमें डाला है 2 टमाटर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला हमने 1 चम्मच यूज़ किया है। इन सभी को मिक्स कर लेना है और 3 मिनट तक पकने देना है। ध्यान रखें कि फ्लेम को मीडियम रखें। इस तरीके से मसाले जब तेल से अलग हो जाएं तो हमने इसमें डाला है फ्राई किए हुए आलू, साथ ही डाला है हरा मटर। हरा मटर हमने 1/2 कप यूज़ किया है। इन सभी को मिक्स कर लेना है और 5 मिनट तक पकने देना है। पाँच मिनट तक पकाने के बाद हमने इसमें डाला है 2 कप सोक किए हुए बासमती राइस। हमने सोक किया हुआ बासमती राइस यूज़ किया है, यानी 15 मिनट तक चावल को भिंगो कर रखा था। इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें डाला है 3 कप पानी। ध्यान रखें कि हमने 2 कप बासमती राइस में 3 कप पानी यूज़ किया है। साथ ही इसमें यूज़ किया 1/2 चम्मच गरम मसाला, घी और धनिया पत्ता। घी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कवर कर इसे पकने देंगे जब तक पानी बिल्कुल सूख ना जाए। इस तरीके से हमारा आलू मटर पुलाव बहुत जल्दी तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे सर्व करेंगे रायते के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और बनाकर मुझे बिल्कुल बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।